ऑलराइट गाइस, तो स्पाइडरमैन 3 2007 में आई थी जो कि स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की तीसरी मूवी थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पाइडरमैन 3 की क्या कहानी है और स्पाइडरमैन 3 में क्या क्या हुआ था। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि पीटर पार्कर अपनी लाइफ में अब सिक्योर फील करने लगा है क्योंकि शहर में हर कोई स्पाइडरमैन को चाहता है और साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि अब मेरी जेन भी उसके साथ में ही है। और पीटर और मैरी वेब के ऊपर अपनी डेट कर रहे होते हैं, उसी टाइम पर एक स्मॉल मीटियोर उनके पास में क्रैश होता है और इस मीटियोर से निकलता है एक एलियन सिम्बायोटिक जो कि पास में ही खड़ी पीटर की बाइक से अटैच हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेल से फ्लिंट मार्को बाहर भाग जाता है और ये पुलिस से बचकर वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, उसी बीच में ये पार्टिकल एक्सीलरेटर के बीच में आ जाता है जिसके कारण इसकी बॉडी पूरी तरीके से सैंड में बदल जाती है और पुलिस सोचती है कि वो मर चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो मरा नहीं है बल्कि अब उसे एबिलिटी मिल चुकी है जिससे वो कभी भी रेत में बदल सकता है और इसी ताकत के साथ में वो बन जाता है सैंडमैन। वहीं दूसरी ओर पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑस्बॉर्न जो कि अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए बेकरार है, वो पीटर को लगातार एक्यूज करता रहता है और अब वो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करके अपने फादर जैसे ही वो भी बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन और वो अपने गेयर्स को पहनकर पहुंच जाता है स्पाइडरमैन के पास में और उस पर अटैक करने लगता है। इस अटैक से पीटर बचने की कोशिश करता है और वो फाइनली हैरी को डाउन करने में कामयाब हो जाता है और हैरी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जहां पर डॉक्टर्स पीटर को बताते हैं कि हैरी शॉर्ट टर्म एमनेशिया में चला गया है जिससे उसकी रिसेंटली मेमोरी जा चुकी है और पीटर को रियलाइज होता है कि हैरी ये भूल चुका है कि उसके फादर को किसने मारा। इसके बाद में मेरी जेन को भी उसके काम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद में एक बिल्डिंग के पास में एक क्रेन खराब हो जाती है जिसके कारण उसमें लोड सामान एक दूसरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने लगता है और इस बिल्डिंग में ग्वेन स्टेसी भी फंसी होती है जो कि वहां से नीचे गिर रही होती है और स्पाइडरमैन यहां पर आ जाता है और उसकी जान बचाता है। और यहाँ पर एक फोटोग्राफर और पहुंचता है जिसका नाम है एडी जो बाद में डेली ब्यूगल में भी जाता है और पीटर का जॉब छीनने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद में एक फेस्टिवल इवेंट में स्पाइडरमैन को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है क्योंकि उसने ग्वेन स्टेसी की लाइफ बचाई है और यहाँ पर वो स्पाइडरमैन को किस करती है जो देखकर मेरी जेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी समय पर यहाँ पर सैंडमैन पहुंच जाता है जो कि शहर पर अटैक करने लगता है। स्पाइडरमैन वहां से निकलता है और सैंडमैन को रोकने की कोशिश करने लगता है और सैंडमैन सिटी की थोड़ी बहुत चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद में आंट मे और पीटर पार्कर को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। यहाँ पर जॉर्ज स्टेसी इनको बताता है कि उसके अंकल पेन पार्कर को किसी और ने मारा था और उसका नाम है फ्लिंट मार्को, जिसे सुनकर पीटर बौखला जाता है और उसके मन में अपने अंकल के कातिल को ढूंढने का ख्याल फिर से जाग जाता है। इसके बाद में पीटर मेरी जेन को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। यहाँ पर पीटर मेरी जेन को प्रपोज करने वाला था लेकिन ग्वेन भी वहां पर आ जाती है जिसे देखकर मैरी पीटर पर थोड़ा शक करती है और उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जब तुम उस लड़की को किस कर रहे थे तब मुझे कैसा लग रहा होगा। और मैरी वहां से चली जाती है और पीटर का दिल फिर से टूट जाता है। इसके बाद में मैरी पीटर के अपार्टमेंट में आती है ताकि वो उससे माफी मांग सके, लेकिन पीटर के मन में अब उसके अंकल बैन के किलर का चेहरा घूमने लगा है तो वो मैरी को वहां से भगा देता है और मार्को का वेट करने लगता है कि वो जब भी फिर से स्ट्राइक करेगा इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी पीटर के रूम में सिम्बायोटिक उसकी कॉस्ट्यूम से बॉन्ड कर लेता है और जैसे ही पीटर अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो चुकी है जो कि पूरी तरीके से ब्लैक है, लेकिन वो अपने अंदर एक एक्स्ट्रा पावर फील करता है जिससे उसे ये नया सूट काफी अच्छा लगने लगता है। लेकिन इस ब्लैक सूट के कारण पीटर की पर्सनालिटी भी चेंज होने लगती है और पीटर और ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव बन जाता है और फाइनली
स्पाइडरमैन सैंडमैन को ढूंढी लेता है और इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है और इस फाइट में स्पाइडरमैन सैंडमैन को पानी में गिरा देता है और उसके ऊपर और ज्यादा पानी छोड़ देता है, जिसके कारण सैंडमैन भीग कर उस जगह से बह जाता है और स्पाइडरमैन सोचता है कि उसने सैंडमैन का खात्मा कर दिया। और अब पीटर की पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, वो अब लोगों को इतना भाव नहीं देता जितना वो पहले दिया करता था और इसी बात से मेरी जेन भी परेशान है और खुद को अकेला समझ रही है। तो वो हैरी को कॉल करती है और हैरी के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और उसका ये टाइम थोड़ा सा रोमांटिक बन जाता है, तो वो वहां से घबरा कर चली जाती है। हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सडनली हैरी का माइंड स्ट्राइक करता है और उसे वो सब याद आ जाता है जो पीटर पार्कर ने उसके साथ में किया था। तो हैरी मैरी जेन के पास में जाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो पीटर को जिंदा देखना चाहती है तो उससे ब्रेकअप कर ले, और मैरी जाकर ना चाहते हुए भी पीटर से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद में हैरी पीटर को कॉफी शॉप में बुलाता है और उसे कहता है कि मैरी जेन ने उसे फोन किया था और वो उससे मिलने आई थी। पीटर भी कहता है कि शायद मैरी जेन को कोई और पसंद है, तो हैरी उससे कहता है कि वो कोई और मैं ही हूँ, जिससे पीटर उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है। इसके बाद में पीटर हैरी के घर पर पहुंचता है और पीटर इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो हैरी से फाइट करना शुरू कर देता है और हैरी को एक हद तक हदमरा कर देता है और हैरी से कहता है कि उसके फादर के लिए वो एक एम्बैरेसमेंट है और हैरी के ऊपर वो पंपकिन बॉल फेंक कर उसे पूरी तरीके से इंजर्ट कर देता है। इसके बाद में पीटर डेली ब्यूगल में जाता है और यहाँ पर वो एडी ब्रूक को कन्फ्रंट करता है, जिसने डेली ब्यूगल में से उसका पत्ता साफ किया था, और वो यहाँ पर एडी को बताता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पर फेक फोटोग्राफ बेच रहा है। एडी उससे भीख मांगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन पीटर उसकी नहीं सुनता है और यहाँ पर रिवील कर देता है एडी के इस स्कैम को, जिससे एडी की नौकरी चली जाती है। इसके बाद में पीटर क्वेन को लेकर एक नाइट क्लब में जाता है, ये वही नाइट क्लब है जहाँ पर मैरी काम करती है, और पीटर यहाँ पर मैरी के काम में इंटरफेयर करने लगता है और मैरी को जेलिस फील कराने के लिए वो ग्वेन के साथ में डांस भी करने लगता है, लेकिन ग्वेन ये रियलाइज कर लेती है कि पीटर ये सब मैरी के लिए कर रहा है, तो वो वहां से चली जाती है। और यहां के बाउंसर आके पीटर को यहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिनसे वो फाइट करने लगता है और इसी लड़ाई में वो मैरी जेन को भी नीचे गिरा देता है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्या से क्या बन गया है। तो पीटर वहां से एक चर्च के पास में जाता है और वहां पे चर्च बेल के पास में इस सूट को उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब होता रहता है। उसी चर्च में एडी ब्रूक भी आया हुआ होता है क्योंकि उसका करियर पीटर पार्कर ने खत्म कर दिया, तो वो यहां पर प्रार्थना कर रहा है कि पीटर पार्कर का खात्मा हो जाए। तभी यहां चर्च की बेल बजने लगती है, जिससे पीटर के ऊपर अटैच ये सिम्बायोटिक कमजोर पड़ जाता है और पीटर इसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी से हटा देता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक जाकर एडी के ऊपर लपट जाता है और एडी के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अब एडी अपनी इस नई पावर को पाकर अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगता है, तो वो सैंडमैन को जाकर ढूंढता है और सैंडमैन से कहता है कि उसका और सैंडमैन का दुश्मन एक ही है, वो है स्पाइडरमैन, तो ये दोनों मिलकर अगर उसे मारेंगे तो उसके पास में कोई भी चांस नहीं होगा, जिसके लिए सैंडमैन एग्री हो जाता है और ये जाकर मैरी जेन को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो स्पाइडरमैन को अपने पास तक बुला सके। पीटर समझ जाता है कि वो इन दोनों से अकेले नहीं लड़ सकता, तो वो हैरी के पास में जाता है जिसका चेहरा हमले से जल चुका है और उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन हैरी उससे मना कर देता है। तो पीटर डिसाइड करता है कि वो अकेले ही जाकर इनसे लड़ेगा और पीटर पहुंच जाता है सैंडमैन और एडी दोनों से फाइट करने के लिए, और हैरी को हैरी का बटलर बताता है कि उसके फादर की लाश को जब वो क्लीन कर रहा था तब उसने देखा था कि जो घाव थे वो उनके खुद के ग्लाइडर से ही हुए थे, तो वो हैरी को बताता है कि तुम्हारे फादर खुद के हाथों से ही मरे हैं। अब स्पाइडरमैन सैंडमैन और एडी के सामने पहुंच जाता है और उनसे लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दोनों स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे स्पाइडरमैन इनसे नहीं लड़ पा रहा है और ये स्पाइडरमैन को पूरी तरीके से डाउन कर देते हैं, और शहर के लोग भी ये समझने लगते हैं कि स्पाइडरमैन का अब अंत आ चुका है। उसी टाइम पर हैरी वहां पर पहुंच जाता है और वो पीटर को
बचाता है और पीटर के साथ में टीम अप करके अब ये दोनों मिलकर सैंडमैन और सिम्बायोटिक से लड़ने लगते हैं। अब ये लोग दोनों विलन्स पर भारी पड़ने लगे हैं और इसी फाइट में हैरी सैंडमैन को डाउन कर देता है और स्पाइडरमैन सिम्बायोटिक के साथ में फाइट करता रहता है और इसी फाइट में ये सिम्बायोटिक हैरी के ग्लाइडर से पीटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी अपना सैक्रिफाइस कर देता है और पीटर को बचा लेता है। और पीटर इस सिम्बायोटिक को रोकने के लिए याद करता है कि चर्च बेल के साउंड से ये सिम्बायोटिक वीक पड़ जाता है, तो वो उसे बहुत सारे पाइपों के बीच में कैद कर देता है और बेल का साउंड क्रिएट करने लगता है, जिसे सुनकर ये सिम्बायोटिक चिल्लाने लगता है और वो एडी की बॉडी से अलग हो जाता है और पीटर उसके ऊपर पंपकिन बम फेंकता है, लेकिन एडी वापस से रिबॉन्ड के लिए अटेम्प्ट करता है, जिसमें एडी और सिम्बायोटिक दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद में मार्को आकर पीटर को कन्फ्रंट करता है और उसे बताता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसके अंकल को मारने का, बल्कि उसके अंकल तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे और गलती से गोली चल गई और वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि उसे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। और फाइनली पीटर मार्को को माफ कर देता है और मार्को वहां से चला जाता है। अब पीटर हैरी के पास में जाता है, जो कि अब धीरे धीरे मर रहा है और फाइनली हैरी भी अपना दम तोड़ देता है, जिससे मैरी जेन और पीटर दोनों ही अपने एक दोस्त के जाने से दुखी हो जाते हैं। इसके बाद में पीटर और मैरी अब फिर से साथ में हो जाते हैं और हैरी का फ्यूनरल करने के बाद में पीटर और मैरी जेन दोनों ही अपनी एक नई लाइफ और एक नया रिलेशनशिप शुरू करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी 2007 में आई स्पाइडरमैन 3, जो कि स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी थी, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 कभी बन ही नहीं पाई और टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन को उसकी एक वेल डिजर्विंग विदाई मिल भी नहीं पाई। एनीवे, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।